स्टूडेंट, आज हम लोग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स या इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स का टॉपिक डीसी चॉपर ड्राइव डिस्कस करेंगे। डीसी चॉपर ड्राइव में जो चॉपर इज यूज फॉर कंट्रोलिंग द डीसी मोटर। हमको मालूम है डीसी मोटर को कंट्रोल करने के लिए वेरिएबल डीसी वोल्टेज चाहिए, जो जिससे कि आर्मेचर वोल्टेज चेंज होगा और आर्मेचर वोल्ट चेंज होने से स्पीड में वेरिएशन होगा। डीसी चॉपर ड्राइव जो यूज होती है वो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में या ट्रैक्शन डिवाइसेस में इस्तेमाल होती है। इसके अलावा बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स जो होते हैं, जो इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होते हैं, जैसे ट्रॉलीज हैं, क्लिफ ट्रक है, इसके इन सब चीजों में इस्तेमाल होता है। एडवांटेज क्या है? देखिए, यहां पर हम डीसी चॉपर के जगह पे कंट्रोल रेक्टिफायर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब कंट्रोल रेक्टिफायर से चॉपर क्यों बेहतर है समझने की बात है। एडवांटेज ऑफ यूजिंग चॉपर ऑन कंट्रोल रेक्टिफायर, द एफिशिएंसी ऑफ चॉपर डीसी ड्राइव इज हायर। सेकंड चीज, ये लाइट वेट होता है। तीसरी चीज, फ्लेक्सिबिलिटी इन कंट्रोल होता है। चौथी, स्मॉल साइज होता है। पांचवा, क्विक रिस्पॉन्स होता है। और छठवीं जो इंपॉर्टेंट चीज है वो रीजनरेशन डाउन टू वेरी लो स्पीड। तो ये कुछ एडवांटेज हैं चॉपर को इस्तेमाल करने के लिए इन प्लेस ऑफ कंट्रोल रेक्टिफायर। अब अगर हम सर्किट की बात करें तो ये सप्लाई है, फिक्स बैटरी से प्राप्त कर सकते हैं या फिक्स डीसी सोर्स से प्राप्त कर सकते हैं। एक चॉपर लगाया है, मोटर है, मोटर के साथ साथ जो फील्ड रेजिस्टेंस है और आर्मेचर रेजिस्टेंस है वो दोनों मिला के रेजिस्टेंस फॉर्म हुआ। और यहां पर आर्मेचर इंडक्टेंस और फील्ड इंडक्टेंस मिला के इंडक्टेंस फॉर्म हुआ। साथ में एक हम लोगों ने डीएफ लगाया है। ये डायोड जो हमारा है, ये जब ऑफ हो जाएगा, हमारा चॉपर हमारा ऑफ हो जाएगा, उस कंडीशन में करंट प्रोवाइड कराएगा। अब वर्किंग देखें तो वर्किंग यहां पर, जब चॉपर हमारा ऑन है, जब हमारा चॉपर ऑन है तो उस कंडीशन में करंट डीसी सोर्स के पॉजिटिव से चॉपर और चॉपर से होते हुए रेजिस्टेंस इंडक्टेंस मोटर से होते हुए नेगेटिव ऑफ बैटरी जाएगी। इस कंडीशन में थायरिस्टर ऑन है और हमारी करंट बढ़ेगी। सेकेंड कंडीशन है जब थायरिस्टर ऑफ हो जाए। जब थायरिस्टर ऑफ हो जाएगा उस कंडीशन में ये जो फ्री व्हीलिंग डायोड है हमारा, ये पिक्चर में आ जाएगा। इस कंडीशन में जो इंडक्टर में स्टोर्ड एनर्जी है उसके कारण से ये डायोड कंडक्ट कर जाएगा और करंट डायोड से इंडक्टर मोटर और डायोड से होते हुए डायोड के पी टू एन होते हुए फ्लो करने लगेगी। जब डायोड कंडक्ट करेगा उस समय आउटपुट वोल्टेज ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा या इक्वल टू बैरियर वोल्टेज हो जाएगा। और जब ये कब होगा? जब चॉपर ऑफ होगा। जब चॉपर ऑन होगा उस कंडीशन में आउटपुट वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज के बराबर हो जाएगा। यहां हम देखें तो ऑन कंडीशन और ऑफ कंडीशन दिखाई दे रही है। ऑन कंडीशन में आउटपुट वोल्टेज ईडीसी के बराबर है और ऑफ कंडीशन में ऑलमोस्ट जीरो है या बैरियर पोटेंशियल के बराबर। जब ऑन टाइम ऑफ टाइम से ज्यादा होगा उस समय कंटिन्यूअस करंट फ्लो करेगी। ऑन कंडीशन में करंट बढ़ेगी और ऑफ कंडीशन में कम होगी, फिर ऑन में बढ़ेगी ऑफ में कम होगी। लेकिन जब ऑन टाइम हमारा कम हो जाएगा, मतलब ऑन टाइम ऑफ टाइम की तुलना में कम हो जाएगा और इंडक्टर अब डिस्चार्ज हो जाएगा पहले ही, तो उस कंडीशन में डिसकंटिन्यूअस करंट फ्लो कर सकती है। तो कंटिन्यूअस करंट फ्लो करेगी या डिसकंटिन्यूअस, ये डिपेंड करता है एक तो ऑन टाइम और ऑफ टाइम पे, और दूसरा कैपेसिटी ऑफ इंडक्टर, कि इंडक्टर कितना चार्ज को स्टोर करता है। तो ये अगर हम इक्वेशन की बात करें
ड्यूरिंग टू ऑन कंडीशन ई डी सी इक्वल टू आर आई ए प्लस एल डी आई बाई डी टी प्लस ईवी ईवी यहां पर बैक ईएमएफ है और ऑफ कंडीशन की बात करेंगे तो उस समय ईडीसी का मान जीरो हो जाएगा तो आर आई आई ए प्लस एल डी आई बाई डी टी प्लस ईवी ये कंप्लीट है डीसी चॉपर ड्राइव के बारे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और मैं नेक्स्ट लेक्चर में कंट्रोल रेक्टिफायर बेस्ड डीसी ड्राइव को एक्सप्लेन करूंगा। धन्यवाद।